टिकट काट दे गए हैं, सबकी अपनी मर्जी का टिकट हुए। क्या पैसे का लेन देन भी हो रहा है? लेन देन सब चीजों का हो रहा है। फोन कर रहा है, फोन कर रहा है। सब आपस में मिले भाई, मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए हैं। बाहर का रहने वाला व्यक्ति है, बाहर रहता है दिल्ली में रहने वाला। ना भावना, ये कोनो देसी दंगल नहीं है और ना ही कहीं कुश्ती का मैच चल रहा है। गुरु, ये बीजेपी कार्यालय है। मतलब अगर आप ये नहीं बूझ पा रहे कि कथित तौर पर दुनिया के सबसे अनुशासित कार्यकर्ता आपसे में क्यों मार किए फिर रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं। लेकिन पहले आप ये देखिए कैसे एक भाजपाई दूसरे भाजपाई को दबा कर पीट रहा है। सबकी अपनी मर्जी का टिकट हुए। क्या पैसे का लेन देन भी हो रहा है? लेन देन सब चीजों का हो रहा है। फोन कर रहा है, फोन कर रहा है। सब आपस में मिले भाई, मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए। बाहर का रहने वाला व्यक्ति है, बाहर रहता दिल्ली में रहने वाला। इंजन आपको देखिए, सफेद कुर्ते में नए नए नेता नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में अंदर टाइकांडो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और स्पाइडरमैन की तरह उड़ते हुए थप्पड़ दे देते हैं। कुछ ही देर बाद बाहर भी ये बता रहे हैं कि सब बिके हुए हैं। किन किन के टिकट काटे हैं जो आपके होने थे? सब कार्यकर्ताओं के टिकट काट दे गए हैं, सबकी अपनी मर्जी के टिकट हुए। क्या पैसे का लेन देन भी हो रहा है? लेन देन सब चीजों का हो रहा है। फोन कर रहा है, फोन कर रहा है। सब आपस में मिले भाई, मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए। दरअसल मामला गाजियाबाद का है। बीजेपी ने यहाँ मेयर पद के लिए बीजेपी नेता बीके सिंह की करीबी बताई जा रही सुनीता दयाल को टिकट दे दिया। बस इसके बाद बवाल कटा हुआ है। टिकट को लेकर इतना घमासान मचा कि साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा, जनरल वीके सिंह के पीए कुलदीप चौहान और रमेश चंद तोमर आपस में ही भिड़ गए और ये वीडियो अब दबा कर वायरल है। हालांकि इस मार कुटाई के इतर सुनीता दयाल अपना पर्चा दाखिल कराई हैं। जो मेरे आदर्श और पूरे भारतवर्ष के नहीं, आज तो पूरे विश्व के आदर्श हैं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, उनका एक अंश भी मुझ में है तो बहुत कुछ करने की इच्छा है। आप सबके सहयोग से, आप सबकी सलाह से, शहर सबका है और उसी के अनुसार इस काम को, अच्छे काम को किया जाए, जो लगे कि शहर में भी प्रदेश की तरह, देश की तरह एक अच्छी व्यवस्था है, सुव्यवस्था है और अच्छा काम किया जा रहा है जनता की सुख सुविधा के लिए, उतना मेरी इच्छा है करने। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर विरोधी बीजेपी के मजे ले रहे हैं। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।